दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में रेलवे का संचालन उस तरीके से नहीं हो रहा जिसके लिए उसे महामारी से पहले जाना जाता था। इसी बीच रेलवे ट्रेनों के संचालन के लिए एक नई योजना बना रहा है। रेलवे सभी ट्रेनों के लिए जीरो बेस्ड टाइम टेबल बना रहा है। इसका मतलब है कि सभी ट्रेनों का शेड्यूल और उनकी फ्रीक्वेंसी एक बार में तय की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रेलवे की योजना है कि वह अपनी सभी मेल, एक्सप्रेस और कुछ अन्य ट्रेनों के हाल्ट को कम करना चाहता है, जिससे कि गंतव्य तक पहुंचने में ट्रेनों की यात्रा समय को कम किया जा सके। इस हफ्ते की शुरुआत में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण फैसले पर अमल करने में देरी हुई है, लेकिन इसे लागू किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि कुछ मामलों में एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के स्टॉपेज बाद में तय किए जाएंगे। इससे पहले अधिकारी इस बात का आकलन करेंगे कि जिन स्टेशनों को हाल्ट से हटाने की योजना है उनसे कितने यात्री चढ़ते और उतरते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हफ्ते में एक या दो बार चलने वाली कुछ ट्रेनों को रोकना आसान होगा। अतीत में कई हाल्ट को राजनीतिक विचार विमर्श के बाद मंजूरी मिली है। रेलवे का मानना है कि ट्रेनों को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले अगर इन हॉल्ट्स को कम कर दिया जाएगा तो ट्रेन यात्रा का समय कम हो जाएगा, ऐसे में वे लंबी दूरी तक नॉन स्टॉप दौड़ पाएंगी। रेलवे बोर्ड प्रमुख ने कहा था कि निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाने वाली 151 ट्रेनें भी जीरो बेस्ड समय सारिणी ट्रेनों का हिस्सा होंगी। इसी बीच रेलवे के कुछ अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय को निजी ऑपरेटरों के लिए समय सारिणी तय करते हुए ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्लियर किया गया है कि बहुत ही जल्दी ट्रेनों के जो स्टॉपेज है उनको कम कर दिया जाएगा। जितने भी हाल्ट हैं वहां से देखा जाएगा कि कितने यात्री चढ़ और उतर रहे हैं। अगर यात्रियों की संख्या कम है तो हो सकता है कि उन हाल्टों को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, क्या वाकई में ट्रेनों के स्टॉपेज को कम करने से यात्रियों को फायदा होगा या फिर नुकसान। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए। दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।